बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुश्मनों से कैसे बचा जाए। दौरे हाजिर आपके सामने हैं, जाने अनजाने हमें बहुत सारे ऐसे नादीदा दुश्मनों से वास्ता पड़ता है जो बज़ाहिर हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, हमारे मुखलिस होते हैं, हमारे खैरख्वाह होते हैं, लेकिन हकीकतन में वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, हमसे हसद करते हैं। दौरे हाजिर आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि आज के दौर में कोई किसी की खुशी से, किसी की कामयाबी से खुश और मुतमइन नहीं होता। हर एक बंदा दूसरे बंदे की टांग खींचने में लगा है और ये कोई गैर नहीं करते बल्कि हमारे अपने करते हैं। हमारे अपनों के बीच जो हमारे हासिदीन हैं वो करते हैं। हालांकि दीन इस्लाम में ख़ास तौर पे कहा गया है कि हसद करना मना है। आप किसी की खुशी से, किसी की कामयाबी से हसद ना करें क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन फिर भी हम बड़े ज़ौक़ शौक़ से हसद करते हैं। हम बड़े ज़ौक़ शौक़ से दूसरे की कामयाबी से जल रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं। ऐसे ही तमाम हासिदीन और दुश्मनों से बचने के लिए आज का ये अमल आपके बहुत काम आने वाला है। अगर दुश्मन ज़बरदस्त ताकत का मालिक हो और उसके वसाइल और असरात ऐसे हों कि आप मुकाबला करने में ख़तरा महसूस कर रहे हों, या ऐसा दुश्मन जो आपके सामने नहीं आ रहा हो, छोरी छुपे वार कर रहा हो, अपनों के बीच कोई ख़ास दुश्मन जो आपकी खुशियों से हसद करता हो, अगर ऐसा वक्त आ जाए कि आपने उसका मुकाबला करना हो तो आप ये अमल कर लें और ये अमल उस वक्त तक जारी रखें जब तक कि वो दुश्मन झुक ना जाए, अपनी हरकतों से बाज ना आ जाए। ये अमल बहुत मुअस्सर और कामयाब है। इसके अलावा दुश्मनों की ज़बान बंदी के लिए, उनकी हरकतों से बचने के लिए, उनसे पहुंचने वाले नुकसान से महफूज रहने के लिए भी ये अमल बहुत ज़्यादा कामयाब है। जिस किसी के हासिदीन और दुश्मन बहुत ज़्यादा हों, जैसे कि बीवी ससुराल में परेशान हाल हो या किसी शख्स को दुश्मनों और हासिदों का डर हो, तो इस अमल को किसी भी दिन वो कर सकते हैं। ये सिर्फ़ 3 दिन का अमल है, 3 दिन से ज़्यादा आपने नहीं करना और इंशाल्लाह ताला इन्हीं 3 दिनों में आप देखेंगे कि आपका वो दुश्मन जो आपसे दुश्मनी निभाने में पेश है या ढका छुपा दुश्मन है, अल्लाह के करम से वो शख्स आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि आपसे सुलह करेगा और अपने किए पर पशेमान होगा। है ना बड़े मज़े की बात कि हम अपने अनदेखे दुश्मन को भी इस अमल से देख सकते हैं। करना आपने सिर्फ़ इतना है कि बाद नमाज इशा आपने 903 बार या काबिज़ो पढ़ना है। नमाज इशा के बाद पूरी तवज्जो से आपने 903 बार या काबिज़ो पढ़ना है और अपने दुश्मन के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसको हिदायत दे, आपको उसके शर से महफूज रखे और उस दुश्मन को उसकी हरकतों पर पशेमान करें। आप देखेंगे कि इन 3 दिनों के अमल से आपका ज़ाहिर या बातिन जो भी दुश्मन होगा वो अपने किए पर ना सिर्फ पशेमान होगा बल्कि वो आपसे आकर सुलह भी करेगा और अपनी हरकतों की माफ़ी भी मांगेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे तमाम देखे अनदेखे दुश्मनों से महफूज रखे, उन तमाम हासिदीन से महफूज रखे जो हमारी खुशियों से, हमारी कामयाबी से हसद करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और मुझे दुश्मनान से और हासिदीन से महफूज रखे। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।